रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। जिसके बाल सॉफ्ट है उसके तो आराम से निकल जाएगा डियर, लेकिन जिसके बाल हार्ड है थोड़े से उसको थोड़ी सी दिक्कत होगी। Hey guys, welcome back to my channel, इशारा, और मैं हूँ स्मृति। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और बहुत ज्यादा पॉजिटिव होंगे। डियर, मेरे साथ मेरे चैनल पे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि जो हेयर है वो कैसे निकालें, जो फेशियल हेयर होते हैं उसको कैसे निकालें, चेहरे को टाइट कैसे करें, चेहरे को ब्राइट कैसे कैसे करें, डीआईवाई के थ्रू हम कैसे अपनी स्किन से हेयर को निकाल सकते हैं। तो दोस्तों बहनों, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे आप अपने फेशियल हेयर को निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप डीआईवाई की बात करो तो डीआईवाई में कुछ ऐसी स्पेसिफिक डीआईवाईज हैं जिसकी मदद से आप अपने स्किन से जितने भी फेशियल हेयर हैं वो रिमूव हो सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जो दिखाऊंगी उसमें एक पंथ तीन काज हो गए। वैसे तो मुहावरा है एक पंथ दो काज, लेकिन यहाँ पे एक पंथ तीन काज हो गए, क्योंकि इससे आपकी स्किन टाइट भी होगी, इससे आपकी स्किन पे एक ग्लो भी बहुत अच्छा आएगा, और साथ में जो भी फेशियल हेयर हैं वो रिमूव हो जाएंगे। जैसे आपके हेड पे है फेशियल हेयर, यहाँ पे है फेशियल हेयर, और अगर हल्के फुल्के हैं फेशियल हेयर, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो आराम से निकल जाएंगे, साथ में आपकी डेड स्किन भी निकल जाएगी। तो इसको बनाने के लिए हमको चाहिए एक खाली बाउल, आप कोई भी बढ़िया सा अपना बाउल ले लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे हम लेंगे 1 चम्मच बेसन ग्राम फ्लोर, जिसकी हम पकौड़ियां बनाते हैं। ये हमारे स्किन को बहुत अच्छे से एक्सफोलिएट करता है, ये हमारे स्किन पर बहुत अच्छी सी ब्राइटनेस लाता है, साथ में हमारे स्किन को टाइट करता है और बहुत अच्छा सा निखार लेके आता है। फिर हम यहाँ पे डालेंगे 1/2 चम्मच के लगभग कॉफी पाउडर, बहुत थोड़ा सा ही हमें डालना है, क्योंकि ज्यादा कॉफी पाउडर हम डाल देंगे तो उसका कलर आ जाएगा। तो अब हम इन दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। कॉफी हमारी स्किन को टाइट करता है, दाग धब्बे हैं इसको ये रिड्यूस करता है। साथ में हम यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा पानी इस तरीके से, ज्यादा हमें बहुत गाढ़ा घोल नहीं तैयार करना है, मीडियम, ना बहुत पतला हो और ना ही बहुत गाढ़ा हो, इतना हो कि हमारे चेहरे पे अच्छे से लग जाए। ठीक है, बस इसको लगाने से पहले आपको दो तीन चीजों का ध्यान रखना है। पहला ये कि आपका जो फेस है वो पूरी अच्छे तरीके से साफ होना चाहिए, चेहरे को अच्छे से क्लीन कर लीजिए फेस वॉश से, उसके बाद आप ये वाला पैक लगाइए। साथ में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस पैक को, यानी पील ऑफ पैक को, इसको आपको महीने में खाली एक बार ही लगाना है, ज्यादा यूज नहीं करना है। ठीक है जी, इसके बाद जो हम नेक्स्ट इंग्रेडिएंट लेंगे वो है पील ऑफ मास्क। तो यहाँ पे हमने गुड वाइब्स का गोल्ड पील ऑफ मास्क लिया है, आप कोई भी ले सकते हो, एवर यूथ का ले सकते हो, हिमालय का ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, बस आपको चारकोल का नहीं लेना है। तो यहाँ पे हमने इसको इसमें मिक्स कर दिया है इस तरीके से, इसको आपको अपने चेहरे पे अच्छे से लगाना है, इसको अच्छे से पील ऑफ मास्क को अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है। पील ऑफ मास्क को मैंने और भी वीडियो शेयर किए हुए हैं जिससे आपकी स्किन ब्राइटन अप हो जाएगी, आपकी स्किन टाइटन अप हो जाएगी। अब इसको हमको लगाना कैसे है ये आप ध्यान से देखिए। तो बहन, कोई भी फेस पैक हो वो हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ ही लगाना चाहिए। अगर आप इस तरीके से लगाएंगे तो आपका फेस भी अपलिफ्ट होगा और आपके फेस पे बहुत अच्छा सा निखार भी आएगा। लेकिन जब हम पील ऑफ मास्क लगाते हैं उसको ऊपर से नीचे की ओर ही लगाना है, क्योंकि हमको अपने रोए भी निकालने हैं। अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ लगाओगे तो वो गलत होगा। इसी तरीके से पील ऑफ मास्क लगाने का और उतारने का भी एक अलग तरीका है, वो भी हम आपको आगे बताएंगे। तो पहले हम इसको अच्छे से अपने पूरे फेस पे लगा लें। देखिए, पील ऑफ मास्क, हम अपनी बात बताएं तो पील ऑफ मास्क हम कभी भी अकेले नहीं लगाते हैं, उसको किसी ना किसी के साथ मिक्स करके लगाते हैं। इससे क्या होता है कि रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। पील ऑफ मास्क का भी आपको फायदा मिल जाएगा, साथ में जो भी आपने नेचुरल इंग्रेडिएंट्स इसमें डाले हैं उसका भी आपको अच्छे से फायदा मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसकी हमको थिक लेयर अपने पूरे फेस पे लगानी है, बाल को आईब्रो को बचा के वहां नहीं लगना चाहिए। तो इस तरीके से मोटी मोटी लेयर आपको अपने पूरे फेस पे लगा लेनी है। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने मोटी मोटी लेयर अपने पूरे फेस पे लगा ली है। अब इसको आपको सूखने के लिए छोड़ देना है। अब जबकि देखिए,
थोड़ी सर्दी का सीजन है तो ये सूखने में थोड़ा टाइम तो लेगा, लेकिन टाइम लेगा लेकिन रिजल्ट भी बहुत अच्छी आएगा। और अगर आप ये गर्मियों में लगाओगे तो ये फटाफट से सूख जाएगा। अच्छा चलिए, जब तक ये सूख रहा है तब तक हम कुछ बातें कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे मतलब मेरी छोटी छोटी बहनों जिनकी शादी होने वाली है, उन्होंने कमेंट्स किया है कि दी मेरे पिगमेंटेशन है, पिगमेंटेशन हम कैसे खत्म करें, सबसे ज्यादा अपने रंग को कैसे गोरा करें, पिंपल्स के दाग है उसको कैसे ठीक करें, अनइवन स्किन टोन है उसको कैसे ठीक करें, टैनिंग हो गई है उसको कैसे ठीक करें। तो सारी चीजों को देखते हुए फ्रेंड्स, यहाँ हम बैक टू बैक अपनी प्यारी प्यारी बहनों के लिए, सहेलियों के लिए ऐसे ऐसे वीडियो लेके आएंगे, ऐसे ऐसे DIY लेके आएंगे, जो कि अगर आपकी शादी 2-3 महीनों में होने वाली है और अगर आप वो DIY रेगुलर यूज करोगे तो ट्रस्ट मी, आप अपनी शादी वाले दिन बहुत अच्छे से चमकोगे। रेगुलर बेस पे आपको क्या करना है, रेगुलर बेस पे जो भी मेरी रेमेडी आपको अच्छी लग रही हो और जो भी रेमेडी आपकी स्किन प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, उसको आप जैसे जैसे हम बताएं, जितनी बार लगाने को बताएं उतनी बार आप लगाइएगा। देखिएगा फ्रेंड्स, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। पेशेंस के साथ उसको लगाइए और आपकी सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे दूर हो जाएगी, चाहे वो चेहरे की रंगत हो, चाहे वो आपकी स्किन पे पिंपल्स के दाग हो, चाहे कोई भी हो। साथ में हम आपको डाइट भी शेयर करेंगे और साथ में हम आपको कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स भी शेयर करेंगे जिसको कंज्यूम करने से, जिसको लेने से आपके अंदरूनी और बाहरी दोनों तरफ से आपको बहुत अच्छे से फायदा होगा। और साथ में कुछ ऐसी क्रीम्स हम शेयर करेंगे जिसको लगा के आपकी स्किन बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है। तो फ्रेंड्स, इसको हम अच्छे से सुखा लें, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने लगभग 20 से 25 मिनट तक रखा और ये सेमी ड्राई हुआ है, थोड़ा सा हल्का हल्का गीला है। तो इसको आपको नीचे से ऊपर की ओर छुड़ाना, ये हम आपको बता रहे हैं, जिससे कि आपके फेशियल हेयर निकल जाए। और जहाँ जहाँ गीला है, आपको लग रहा है हल्का हल्का गीला है, वहाँ पर आप इस तरीके से चम्मच की मदद से निकाल सकते हैं। उसके बाद जहाँ जहाँ आपका सूख गया है ये पील ऑफ मास्क, उसको आप हाथ की मदद से भी निकाल सकते हैं और उसके बाद आप सादे पानी से अपने चेहरे को धो सकते हैं। सॉफ्ट है उसके तो आराम से निकल जाएगा डियर, लेकिन जिसके बाल हार्ड है थोड़े से, उसको थोड़ी सी दिक्कत होगी। उसके लिए तो फिर यू नो थ्रेडिंग ही करानी पड़ेगी, और वरना जिसके सॉफ्ट है यार उसके तो आसानी से निकल जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, हम अपने चेहरे को धो के आ गए हैं। देखिए, छुड़ाने में थोड़ी तो मेहनत लगेगी, धोने में भी थोड़ी मेहनत लगेगी, बट रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। क्योंकि सर्दियों का सीजन है इसलिए थोड़ा सा टाइम लेगा ये ड्राई होने में, लेकिन यही अगर आप गर्मियों के सीजन में करोगे तो यूं फटाफट से ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और आराम से छूट जाएगा। लेकिन अगर नहीं भी होता है तो आप इसको सादे पानी से धो दीजिएगा, रिजल्ट वैसे ही बहुत अच्छा आने वाला है। साथ में अब आपको क्या करना है, अब आपके अपनी स्किन को ऐसे ही नहीं छोड़ना है, क्योंकि काफी खींचातानी हम कर चुके हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे लगा रहे हैं एलोवेरा जेल। आपके पास कोई भी मॉइस्चराइजर हो आप जरूर लगा लीजिएगा, इससे जो भी हमने यहाँ पे मास्क लगाया है वो बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, उसका रिजल्ट बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। साथ में थोड़ी सी बात और हम कर लें कि अब हम शुरू करने वाले हैं दुल्हन सीरीज, जिसमें कि जो भी नई ब्राइडल होने वाली हैं या फिर जिनके घर में शादी होने वाली है या आपके किसी रिश्तेदारी में शादी होने वाली है या फिर वैसे भी आपको स्किन केयर करना बहुत अच्छा लगता है, तो अब हम आपको एक से एक वीडियोस अपलोड करेंगे जिसमें आपका हर DIY होगा, चाहे वो DIY ब्लीच हो, चाहे DIY फेशियल हो, चाहे घरेलू आपका योगा हो, चाहे आपको योगा कैसे करना है, आपको फेस मसाज कैसे करनी है, फेस से रिलेटेड हर एक चीज आपको मेरे चैनल पे मिलेगी और रेगुलर मिलेगी। अगर आपके चेहरे पे दाग हैं वो भी आपके ठीक होगी, पिगमेंटेशन है वो भी ठीक होगी, चेहरा डल हो रहा है वो भी ठीक होगा। साथ में आपको कंटिन्यूअसली वो जो भी हम रेमेडी बताएं वो कंटिन्यूअसली प्लीज पेशेंस के साथ करते रहिएगा, क्योंकि क्या होता है ना कि मेरी कुछ बहनें इतनी ज्यादा भोली हैं कि उनको तुरंत रिजल्ट चाहिए होता है कि भैया अभी हमने फेस पैक लगाया और हमें तुरंत रिजल्ट चाहिए, तो बहन इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता है। थोड़ा सा पेशेंस के साथ आप करिए तो आपको बहुत ही ज्यादा अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये था मेरा आज का वीडियो, ये थी मेरी आज की प्रस्तुति। अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। घर में अगर किसी की शादी होने वाली है तो आप उसको भी शेयर कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर, राधे राधे।